हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हमने थोड़ा सा बच्चा अपने इस वाले फार्म में शिफ्ट किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने उधर से एक पार्टीशन कर दिया है जिससे कि बच्चे में सर्दी की समस्या ना आए, क्योंकि आज बच्चे को कल हमने एक दवाई लगाई थी जिससे कि इसमें जो छींकने की दिक्कत है वो कम की थी। अभी क्या है कि हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि छींक रहा है, तो आज फिर से वो रिपीट किया है मैंने दवाई का। अभी मैं आपको बता दूंगा मैंने क्या क्या लगाया है। तो इधर देखिए, ये मैंने इधर चिक्स डाल रखा है और इनको ठंड ना लगे इसलिए से पार्टीशन लगा रखा है, क्योंकि नीचे की साइड से ठंड नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। ऊपर वेंटिलेशन खोल रखा है जिससे कि अमोनिया ना बने और नीचे अपना ये सारा चूजा सारा मुर्गा दाना खा रहा है। तो आज 29वां दिन है, 29वें दिन हम ये सारा मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं। तो अभी हमने देखिए पूरा बच्चा नहीं डाला, अभी फ़िलहाल हमने डाला है 700 बच्चा लगभग, ठीक है। 700 बच्चा हमने यहाँ डाला है। अभी हमको इसमें लाना है कम से कम 1500 बच्चा और लेकर आना है, 1500-1600 बच्चा और लेके आएंगे, इसको पूरा कर देंगे। तो बच्चे को ठंड ना लगे, बच्चा अपना दाना पानी सही ले रहा है। देखिए यहाँ पर मेरे जो ड्रिंकर हैं ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर है, यहाँ पे कोई भी निपिल नहीं लगा हुआ। ये मेरा पुराना फार्म है जिससे मैंने काम की स्टार्ट की थी, शुरुआत की थी। इस फार्म में से ही मेरे जो दूसरे फार्म है वो बने हैं और इसी फार्म से मैं अपने फार्मिंग करना सीखा हूँ। देखिए दोस्तों, वैसे मेरे ये फार्म मेरे लकी बहुत है। जब स्टार्टिंग की थी मैंने तो बड़ा ही दुविधा आई, बहुत काम करना बड़ा मुश्किल था। तो लेकिन इस फार्म ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ये फार्म मेरा अब तक बरकरार है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इसकी एक जाली तक ख़राब हो गई है, बहुत बढ़िया मजबूत फार्म बना हुआ है। तो चिक्स भी आप देख सकते हैं बिल्कुल हैप्पी है। इस फार्म में थोड़ा सा विंटर में ये दिक्कत होती है कि छत पूरी 12 फीट के आसपास है, तो समस्या ये है कि थोड़ा ठंड की समस्या इसमें आ जाती है, हीटिंग नहीं बन पाती। तो इसी वजह से हमने थोड़ा सा यहाँ पर पार्टीशन दे दिया है जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। तो मैं अभी आपको उधर की पोजीशन भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने कल आपसे बताया था कि अब इसमें बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए जैसे ये चिक्स है, आप हैप्पी है, एकदम हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं, पर इसे ठंड लग रही है, ठीक है। मरेगा नहीं, थोड़ा सा ये लूज़ हो गया है आने जाने से। बाकी सारा बच्चा देखिए दाना पानी खा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब बैठा आराम से बैठा है, ठीक है। इस तरह से झूमर ला के बैठते हैं बच्चे, जिस तरह से ये सर्दी में इनको सर्दी लगती है। लेकिन मैं आपको इसमें आज मेडिसिन दवाई बताऊँगा कि क्या क्या लगा जिससे कि इसमें थोड़ी सी गर्मी भी आए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बाहर का अपडेट देता हूँ। और हाँ देखिए दोस्तों, मेरे फार्म पे कोई भी लाइट अभी नहीं है, मतलब मेरे फार्म पे मैं बिना लाइट के काम करता हूँ। मेरे फार्म पे मात्र 8 घंटे की लाइट है और 8 घंटे की लाइट में मैं रात का मैनेजमेंट भी करता हूँ और अपना दिन में भी मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मात्र 8 घंटे की लाइट में पूरा फार्म को मैनेज करते हैं हम। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए सब ड्रिंकर वगैरह हमने भूसी पहले ऑलरेडी डाल ली है जिससे कि हमें बाद में दिक्कत ना पड़े, बाद में हमें ये ना रहना पड़े कि हमारे पास भूसी नहीं है या कुछ नहीं है। तो हमने पूरा भूसी डाल के रख रखा है। तो ये देखिए फार्म को हम बंद करते हैं, यहाँ से क्लोज़ करते हैं और चलिए मैं उस फार्म की तरफ दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, डार्कनेस आपको ज़्यादा लग रहा होगा, मैं इधर एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए जो लाइट जल रही है, ये मेरा सीसीटीवी कैमरा है, ये रात में एक्टिव रहता है और जलता रहता है। इसमें जैसे ही कोई मोशन इसको दिखता है ये जलना स्टार्ट कर देता है। ये कैमरा भी मैंने खुद से इंस्टॉल किया है, ये पूरे फार्म की इधर से पूरी वीडियोग्राफी करता रहता है रात भर, जैसे कोई दिक्कत ना हो, कोई फीड वगैरह की समस्या ना हो, ठीक है, क्या कौन आया कौन जाया सारी इसमें रिकॉर्डिंग चलती रहती है। तो चलिए मैं आपको इस वाले फार्म का भी विजिट करा देता हूँ, क्योंकि इस वाले फार्म में ही हमारा जितना भी चिक्स है वो पड़ा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है नाइट में, ठीक है, नाइट में बच्चा बैठा है, हमारी लाइटिंग वगैरह जल रही है। अब मैं देखते दोस्तों, मेरे फार्म पे लाइट नहीं है, मात्र 8 घंटे की लाइट सिंह मैं काम कर रहा हूँ। ये देखिए बैटरी मैंने चार चार रख रखे हैं, आप देख सकते हो बैटरी चार चार रखे हैं और रख रखा है ई रिक्शा का चार्जर, ठीक है, ई रिक्शा का चार्जर चल रहा है और यहीं से उस वाले फार्म की लाइट कंट्रोल हो रही है। उस वाले फार्म की जो लाइट है वो इस वाले कन्वर्टर से चल रही है और इस वाले फार्म की जो लाइटें चल रही हैं वो नीचे वाले इन्वर्टर चल रही है, ठीक है। एक फार्म पे ये वाला बैटरी चल रहा है, एक फार्म पे वो बैटरी चल रहा है। जैसे ये डाउन होंगे, वैसे ये डाउन पहले होता है, वो डाउन नहीं होता, उसके बाद हम उस पर लगा देंगे। उसके बाद क्या होता है कि हम अगर ये डाउन हो जाते हैं, फिर हम ये वाली दो बैटरियाँ इन पर लगा देते हैं। तो सारा काम सीसीटीवी वगैरह सारा इसी चीज़ से चल रहा है।
हमको हमको ये है कि परेशानी नहीं आती बिना लाइट के, लेकिन ये है कि लाइट होती तो और अच्छा होता, नहीं तो काम चला सकते हैं। काम चलाना मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चालू होने वाला काम करा, काम का मतलब ये है कि हम इससे बढ़िया काम कर सकते हैं विदाउट लाइट भी। अगर 6-7 घंटे 8 घंटे की लाइट अगर आपके पास है या वो भी नहीं है तो फिर सोलर पैनल आप इस्तेमाल करें, 6-7-8 घंटे में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएंगी, उसके बाद आप बिल्कुल इन्वर्टर लेकर सारा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए पूरा पाइपलाइन में हमारा दाना पानी खा रहा है, दाना भी खा रहा है, पानी भी पी रहा है, और दाना इसने फिनिश कर दिया है। अब दाना दोबारा डलेगा इसमें क्योंकि बच्चा है भूखा, ठीक है, दाना डलेगा और बच्चा है भूखा क्योंकि इसको बहुत सारी चीज़ें हम लगा रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या हमारे इसमें लग रहा है, मैं बहुत सारी चीज़ें हम आप लगा रहे हैं। देखिए इसमें ब्रोटोन भी लग रहा है, नेफ्रोकेयर भी लग रहा है, मैक्स भी चल रहा है, ठीक है, इसमें आपका बिमराल भी चल रहा है, इसमें आपका ऑस्टोवेट भी चल रहा है, एक ये साउंड के लिए चल रही है, तो बहुत सारी दवाइयाँ इसमें हम चला रहे हैं क्योंकि हमने जब से कोई दवाई नहीं चलाई अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ गई थी। देखिए दवाई की आवश्यकता जब जब हो तभी चलानी चाहिए, हमें इसका अंदाज़ा है कि अगर हमने ये दवाई नहीं चलाई तो आगे जाके हमारा जो चिक्स है वो मोटिलिटी उसमें होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि साउंड अगर हल्का हल्का आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए तो अच्छा है। अगर साउंड बढ़ गया आपका और वो हार्ट CRD में कन्वर्ट हो गया तो आपका जो बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा मरना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भैया ऐसा है कि बीमारी आने से पहले उसके लक्षण पहचानना आपको आना चाहिए, और मुझे इसमें खुद लगा कि हाँ अब हम इसको विदाउट मेडिसिन आगे रन नहीं कर सकते, तो हमको इसमें मेडिसिन लगाने की आवश्यकता पड़ गई, वरना स्टार्टिंग से लास्ट तक अभी तक हमने जो जेंटा वगैरह किया था और हमारा बायोप्रो चल रहा था, उसके अलावा हम अभी बायोप्रो नहीं इस्तेमाल कर रहे क्योंकि बायोप्रो अभी ये दवाई चल रही है, ये एक दिन और कंटिन्यू रहेंगी, उसके बाद हम इसको स्टॉप करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू हमारा बायोप्रो चल जाएगा। जो मुर्गे का वजन है वो करीब करीब 1400 ग्राम के आसपास चिक्स का वजन आ गया है, ठीक है, 1300-1400 के आसपास है, देखिए लेकिन सही एवरेज तो जब भी चलेगा पता जब हमारा फार्म पे से गाड़ी आ जाती है लिफ्टिंग की और वहाँ पे फार्म पे जब तुलना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, और ये 29 डेज़ हैं, ठीक है, 29वां दिन है, 29वें दिन हमने जो भी मैनेजमेंट किया है वो आपको बताया है। अब देखिए कितनी भीड़ हो रही है यहाँ से, सारा बच्चा मतलब कम से कम 1500-1600 बच्चा अभी और शिफ्ट होना है उधर, ठीक है, तो ये जब सारा शिफ्ट हो जाएगा तो मैं उसके बाद भी आपको अपडेट देता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।